विधायक सर, जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन यहाँ पर आप लोगों के द्वारा करने को मिल रहा है, क्या लगता है कि आप लोगों को समर्थन मिल रहा है? देखिए, अगर हमसे पूछने के बजाय कैमरा घुमा के देख ले तो आपको ज्यादा इसका पता लग जाएगा। हजरतगंज से लेके अमीनाबाद से लेके नखास से लेके चौक से लेके सराफा बाजार, अब ये यहाँ पत्रकार बाजार में हम आए हैं, ये आलमबाग में, तेलीबाग में, ये एक मेरा ख्याल से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने तो आवाज़ दी है बंद की। जिस तरह से कांग्रेस ने इस आवाज़ को लेकर लोगों के बीच में गई है, तो ये दर्द लोगों का है, जनता का दर्द है, समझिए, तो वो दर्द नजर आ रहा है। सर, क्या लगता है कि जनता वाकई में काफी ज्यादा परेशान है? क्या वाकई में जनता बुरे हाल है वाकई में, जिसकी वजह से आज कांग्रेस साथ दे रही है उनका? देखिए, ये राहुल जी ने जनता की 125 करोड़ जनता की आवाज को दिया था और उस दर्द को लोगों ने अपने आप जो है सामने निकाला है। और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही गोमती नगर के अंदर ये पत्रकार बाजार एक बहुत ही पॉश इलाका है और ये तमाम इलाका पूरी तरह से बंद है। आप उस तरफ देखिए। आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, जिस तरह से आपको विपक्ष का भी पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता भी आपके साथ खड़ी है, तमाम मार्केट में व्यापारी भी आपके साथ खड़े हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि 2019 में अब जनता इंतजार कर रही है? देखिए, एक बेशर्म सरकार है, ढीठ सरकार है, दो दिन की कार्यकारिणी उनकी रही है, दो दिन की कार्यकारिणी दिल्ली में रही है और उस कार्यकारिणी के अंदर इन्होंने महंगाई के बारे में कोई बात नहीं की। इन्होंने किसी भी तरह का की तेल की कीमतों के बढ़ते हुए कोई बात नहीं की। इन्होंने राफेल जैसे घोटाले पर कोई चर्चा, कोई परिचर्चा नहीं हुई। इससे मैं कहता हूँ शर्मनाक और क्या हो सकता है कि जनता के मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकारिणी में उसके मुद्दों को लेकर नहीं चल रही, उस पर बातचीत नहीं करती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे राज बब्बर, जिनका सीधे तौर से कहना है कि यह ढिठाई है और सरकार की बेशर्मी है जिसकी वजह से वो अपने आप को बदलना नहीं चाहती है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के भाव कम होने के बावजूद उत्तर प्रदेश और समूचे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जनता त्राहिमाम कर रही है और इंतजार कर रही है 2019 का, ताकि जनता बेहतर बता सके कि उसका सही विकल्प कौन है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, भारत समाचार, लखनऊ। और कांग्रेस